पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों सिर्फ एक ही वक्त का खाना खा रहे हैं। जी हाँ, वो दिन में सिर्फ एक टाइम ही खाना खाते हैं। आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ये है बिल्कुल सच। आप इसके पीछे की वजह ढूंढें, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह खुद पीएम मोदी ने बताई है और उस भोज के दौरान बताई जिसे उन्होंने ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों के सम्मान में दिया था। भोज के दौरान जब देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने उनसे साथ में चूरमा खाने के लिए कहा, तो पीएम ने खुद बताया कि आजकल वो सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं। देखिए, चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सुपर होटल में। कब कब खाया अभी? आते ही वहाँ से। और एक बार खड़ा होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। दरअसल आजकल चतुर्मास चल रहा है। है तो ये मूल रूप से जैन धर्म को मानने वालों का पर्व, लेकिन हिंदू भी इस दौरान धार्मिक कर्मकांड करते हैं। चतुर्मास के दौरान कई तरह की चीजें, मसलन दही, पत्तेदार सब्जियां, ये सब नहीं खाई जाती। साथ ही मौसम की अनुकूलता न होने के कारण कई लोग एक ही वक्त भोजन करते हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही लोगों में से हैं जो चतुर्मास में एक ही वक्त का भोजन करते हैं। इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा भी एक किस्सा बताया है, वो भी देख लीजिए। अटल जी जब पहले पार्टी का भी काम करते थे तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था, तो किसी परिवार में भोजन के लिए गए, तो बाद में मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे, तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद आए। अब वो खबर छप गई पूरे देश में, तो अटल जी जहाँ जाते थे वहाँ सब जगह पे गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद हो, कुछ और भी खिलाओ। पीएम मोदी की जुबान से अटल बिहारी वाजपेयी की ये कहानी सुनकर नीरज चोपड़ा समेत बाकी खिलाड़ी भी हंस दिए। खैर, तो इस तरह पीएम मोदी ने खुद ही बताया कि आजकल उन्होंने सिर्फ एक वक्त का खाना जारी रखा है और वो एक ही वक्त खाना खाते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।